नमस्कार, स्वागत है आप सबको। मैं आज प्याज के पत्तों के पकोड़े बनाने वाली हूँ। इसके लिए चाहिए हमें फ्रेश प्याज के पत्ते, और मैं इनको अच्छे से धो के रखा है, और अभी मैं इनको बारीक बारीक करके काटूँगी। देखिए, प्याज के पत्ते को मैं बारीक करके काट लिया। अभी इनके साथ हरा मिर्ची को भी काटा, और इनके साथ धनिया पत्ता को भी बारीक करके काटा। अभी एक बर्तन में सारे इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके मिलाऊंगी। सबसे पहले मैं प्याज के पत्ते को लिया, धनिया पत्ता, फिर हरा मिर्ची को लेंगे, मैं इसमें ले रही हूँ बड़ा चम्मच का एक चम्मच मैदा लेंगे, और दो चम्मच राइस पाउडर, स्वाद अनुसार नमक लेंगे, छोटा चम्मच एक अजवाइन लेंगे, और हल्दी पाउडर। अभी सब इनको एक साथ अच्छे से मिलाना है। एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर लिया। अभी हम एक अंडा इसके साथ मिलाएंगे। अगर कोई अंडा नहीं खाते हो तो पानी के साथ भी इसको मिला सकते हो। अभी मैं इनको हाथों से मिक्स करूँगी। देखिए, अंडों से सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गया। अभी इसमें मैं बिल्कुल पानी नहीं डाला। अभी इनको सब एक एक करके फ्राई करना है।
पकौड़ा तैयार हो गया। मैंने यहाँ पे सॉस लिया, आप लोग चटनी के साथ भी खा सकते हो।